दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल होते हैं उन पर जो तार यानी कि वायर बंधे हुए होते हैं वो ढीले बंधे हुए क्यों होते हैं? नहीं पता, चलिए मैं बताता हूं। यहां पर होता क्या है दोस्तों, यहां पर आपके जो पोल होते हैं उन पर जो वायर लगे होते हैं ना, वो आपके मेटल यानी कि धातु के होते हैं, ज्यादातर एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। अब यहां पर एल्यूमिनियम एक मेटल होता है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि जब इसका तापमान बढ़ाया जाता है तो उसमें प्रसार होने के कारण जो तार है उसकी लंबाई बढ़ जाती है। लेकिन जब सर्दियों के दिन आते हैं, सर्दियों के दिनों में जो तापमान कम होता है तो यहां पर क्या होता है, संकुचन होने के कारण गाइस जो तार होते हैं उनके लंबाई में कमी हो जाती है। अब ऐसे में क्या होता है कि सर्दियों में अगर लंबाई कमी होगी और अगर मैं तारों को जो टाइट करके बांध दिया तो तार यहां पर टूट जाते हैं और तार टूटने के कारण आपकी जो विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिसिटी है, आपके घरों में नहीं पहुंच पाती है और यहां से दुर्घटना भी हो जाती है। तो इस दुर्घटना को बचाने के लिए तार होते हैं विद्युत धारा के, उनको गाइस लूज बांध जाता है। तो अब से पहले आपको अगर ये फैक्ट पता नहीं था तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।